Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोमेद के बारे में यानी हेसोनाइट के बारे में. गोमेद रत्न के बारे में आप जानते हैं कि गोमेद जो रत्न है वो राहु का रत्न माना जाता है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही फास्ट तरीके से काम करता है बिकॉज राहु जो है वो एक मैलेफिक प्लैनेट है और राहु का असर हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है, ऑल टाइम होता है. तो गोमेद अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप किस तरीके से गोमेद को पहन सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. देखिए गोमेद का जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि ये आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा देता है, यानी जो आपकी सोचने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, अगर आप कोई जीनियस राइटर हैं, तब आपको गोमेद पहनना चाहिए ताकि आपकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सके. अब गोमेद आप पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा कि आपको पहले ये देखना है कि आपका एसेंडेंट क्या है. एसेंडेंट के हिसाब से ही आप गोमेद पहन सकते हैं बिकॉज राहु जो है वो जेमिनी साइन में एक्सल्टेशन में होता है यानी उचका होता है, वर्गो साइन में अपने ओन साइन में होता है यानी बहुत ही कंफर्टेबल होता है, एक्वेरियस साइन में अगर होता है तो अपने ओन हाउस में होता है बिकॉज एक्वेरियस साइन जो है वो राहु का अपना घर माना जाता है. जैसे सैटर्न एक्वेरियस साइन का लॉर्ड है उसी तरीके से राहु जो है उसका को लॉर्ड माना जाता है. तो इस साइन में राहु जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है लेकिन जेमिनी साइन में राहु अपने एक्सल्टेशन में होता है बिकॉज जेमिनी जो साइन है वो एक एयरी साइन है और राहु जो है स्टीम है यानी गैस है. तो यहाँ पर राहु को बढ़ने का मौका मिलता है, फैलने का मौका मिलता है. तो आपको पहले ये देखना है कि आपका एसेंडेंट क्या है. एसेंडेंट के हिसाब से ही आप जेमिनी पहन सकते हैं. एसेंडेंट से पहले मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जन्म अगस्त के महीने में हुआ है तो इंग्लिश मान्यता के हिसाब से आप गोमेद यानी हेसोनाइट पहन सकते हैं लेकिन कभी भी अगर आप गोमेद पहने तो वो 4.25 रत्ती से कम का गोमेद ना पहने. 4.25 रत्ती से अगर आप कम का गोमेद पहनते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा. और दूसरी बात ये कि अगर आपका जन्म 15th of Jan से लेके 15th of Feb के बीच में हुआ है यानी जब आपका जन्म हुआ था, सन अगर एक्वेरियस साइन में रहा होगा तब भी आप गोमेद पहन सकते हैं बिकॉज इसलिए पहन सकते हैं कि सन अगर एक्वेरियस साइन में है तो एक्वेरियस साइन का जो लॉर्ड है वो राहु है. तो अगर आप गोमेद पहनते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है लेकिन इसके लिए राहु की पोजिशन का अच्छा भी होना बहुत ज़रूरी है. कि राहु की पोजिशन क्या है, राहु की पोजिशन अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा लगन क्या है. लगन के हिसाब से आप राहु का जेमस्टोन पहन सकते हैं यानी हेसोनाइट पहन सकते हैं. अगर आपका लगन एरीज है और राहु अगर आपके 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में या 11th हाउस में है तो आप यहाँ राहु का जेमस्टोन पहन सकते हैं. 3rd हाउस का संबंध मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार वीडियोज़ में बताया है कि 3rd हाउस का संबंध है आपकी भुजबल से, आपके स्ट्रेंथ से, आपके कम्युनिकेशन से. तो 3rd हाउस में अगर राहु आता है तो आप यहां पर राहु का जेमस्टोन पहन सकते हैं. 6th हाउस में अगर राहु आता है एरीज एसेंडेंट में तो 6th हाउस का संबंध है मिनिस्ट्री सर्विस से, 6th हाउस का संबंध है हीलिंग से, 6th हाउस का संबंध है जॉब से. तो यहां पर आपको 6th हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट मिल सकता है. दूसरा, 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कंपटीशन को. अगर आप मार्केट में हैं और अगर आप कम्पीट कर रहे हैं या आप एग्ज़ाम को कम्पीट कर रहे हैं तब उसका संबंध 6th हाउस है. तो यहाँ पर राहु की अगर प्लेसमेंट होती है और गोमेद पहनते हैं और राहु की दशा चल रही है और 6th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपको यहाँ पर जीत मिल सकती है. 10th हाउस में अगर राहु है, अगर आपका एरीज एसेंडेंट है तो 10th हाउस का संबंध आपके कैरियर से, तो कैरियर में प्रमोशन आ सकती है, काम धंधे में प्रमोशन आ सकती है, पब्लिक विजिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है. अगर आप कोई पॉलिटिकल लीडर हैं तो राहु की पोजीशन अगर 10th हाउस में है और अगर आपका एसेंडेंट अगर एरीज है और सैटर्न की पोजीशन भी अगर बहुत अच्छी है तो राहु की दशा में आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है. 11th हाउस में अगर राहु है यानी एक्वेरियस साइन में अगर राहु है और अगर राहु की दशा चल रही है, सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है तो 11th हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट मिल सकता है यानी राहु की दिशा में आपको मासिव गेन हो सकता है. राहु की दिशा में आप बहुत बड़ी कम्युनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं. राहु की दिशा में जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है. दूसरा जो हमारा एसेंडेंट है वो है जेमिनी एसेंडेंट. जेमिनी एसेंडेंट में अगर राहु आपके 1st हाउस में है और राहु की दशा चल रही है और
मर्करी की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है, मर्करी अगर अपने एग्जल्टेशन में है, केंद्र में है, बेनिफिक साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, तो राहु की अगर आपकी दशा चल रही होगी तो आपको नाम और फेम मिल सकता है, आपकी जो पहचान है वो बढ़ सकती है। तो जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो आप राहु का जेमस्टोन पहन सकते हैं, यानी हेसोनाइट पहन सकते हैं। तीसरा थर्ड जो हमारा एसेंडेंट है वो है वर्गो एसेंडेंट। वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, सिक्स हाउस में है, टेंथ हाउस में है, तभी आप राहु का जेमस्टोन पहन सकते हैं। यानी अगर फर्स्ट हाउस में राहु आता है तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस से संबंधित बेनिफिट मिलेगा, सिक्स हाउस का संबंध जॉब से है, मिनिस्ट्री सर्विस से है और आपके कंपटीशन से है, टेंथ हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके कैरियर को और पब्लिक विजिबिलिटी को, तो इन सब तीनों चीज़ों का बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन बेनिफिट आपको जब मिलेगा, जब फर्स्ट हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। यानी अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, सिक्स हाउस में है, टेंथ हाउस में है और अगर इन हाउसेस के लॉर्ड की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है, अगर वो अपने एग्जल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, बेनिफिक हाउस में है, तो आपको इन सब चीज़ों में बेनिफिट मिल सकता है। फोर्थ जो हमारा एसेंडेंट है वो एक्वेरियस एसेंडेंट। एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपको राहु का जेमस्टोन पहनना चाहिए, लेकिन उसके लिए सैटर्न की पोजीशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है और राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है और अगर राहु की दशा चल रही है तो आपको ज़्यादा फेम मिल सकता है, आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छे नेटवर्कर बन सकते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत बढ़ सकता है, आपका जो ग्रुप है बहुत बड़ा हो सकता है और उसी चीज़ से आपकी एक इंडिविजुअल पहचान हो सकती है। दूसरी बात ये कि राहु का अगर जेमस्टोन आप पहनना चाहते हैं तो आप अपने जन्म के हिसाब से भी राहु का जेमस्टोन पहन सकते हैं। अगर आपके जन्म का मूलांक अगर चार है, यानी अगर आपका जन्म फोर्थ को हुआ है, थर्टीन को हुआ है, 22nd को हुआ है या 31st को हुआ है, किसी भी मंथ में हुआ है, तब भी आप इंग्लिश मान्यताओं के हिसाब से राहु का जेमस्टोन पहन सकते हैं। तो कभी भी अगर आप राहु का जेमस्टोन पहने तो ओरिजिनल होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया उसका जो वजन है 4-5 कैरेट से कम ना हो, यानी 4.25 रत्ती से कम ना हो। अगर आप 4.25 रत्ती का अगर जेमस्टोन पहनते हैं और उसको अगर आप तिरलोम में पहनते हैं, यानी एलॉय में पहनते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और इसके पहनने का जो तरीका है वो ये है कि अगर राहु का नक्षत्र चल रहा है, राहु का नक्षत्र है आद्रा, स्वाति और शतभिषा, अगर आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र चल रहा है, यानी मून की एक्समेंट आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में है, तो आप राहु का जेमस्टोन पहन सकते हैं। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो किसी भी पुष्य नक्षत्र में आप राहु का जेमस्टोन पहन सकते हैं, और अगर उसके बारे में भी आपको नहीं पता है तो आप वेडनेसडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन राहु का जेमस्टोन पहन सकते हैं। बट अगर राहु की प्लेसमेंट सिक्स हाउस में है तो जेमस्टोन अगर आप पहन रहे हैं तो वेडनेसडे वाले दिन पहने, और अगर राहु की प्लेसमेंट टेंथ हाउस में है तो सैटरडे वाले दिन। गाइज, आज मैंने आपको बताया राहु स्टोन के बारे में, यानी हेसोनाइट के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने जेमस्टोन के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, लव यू ऑल।